So good morning students, today we are going to discuss about the MCQs of chapter 2 of class 12th, that is sexual reproduction in flowering plant. Okay, so firstly I would like to say that thanks for liking and subscribing my channel. So let's begin. Okay, so first MCQ is, in water hyacinth and water lily pollination take place by, जो वाटर हाइसिंथ होता है और वाटर लिली जो होता है उसमें पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय, किसकी हेल्प से होता है? सो राइट आंसर इज इंसेक्ट और विंड. सो वाटर हाइसिंथ के बारे में एक बात और बताती हूँ आपको. वाटर हाइसिंथ को हम टेडर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं. ओके, तो अगेन रिपीट कर रही हूँ, जो वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में पॉलिनेशन जो होता है वो इंसेक्ट और विंड की हेल्प से होता है. सो क्वेश्चन नंबर 2, फिलीफॉर्म एपरेटस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, फिलीफॉर्म एपरेटस जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स किसका होता है? सिनर्जिड्स का. ओके, सो राइट आंसर इज सिनर्जिड. क्वेश्चन नंबर 3, परसिस्टेंट न्यूसेलस इज कॉल्ड एज एंड फाउंड इन, जो परसिस्टेंट न्यूसेलस होता है वो उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म. ठीक है, एंड फाउंड इन कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है हमारा ब्लैक पेपर में. सो राइट आंसर विल बी द परसिस्टेंट न्यूसेलस इज कॉल्ड एज द पेरिस्पर्म एंड फाउंड इन ब्लैक पेपर. Move to the next question. Question number 4. In which of the following both autogamy and zytogamy are prevented? किस में autogamy और zytogamy को prevented किया जा सकता है? So in papaya plant, autogamy and zytogamy both are prevented. Question number 5. Formation of gametophyte directly from sporophyte without meiosis is called. जब formation होती है किसी भी gametophyte की, डायरेक्टली हो जाती है, ठीक है, किससे होती है? स्पोरोफाइट से, बिना मियोसिस डिवीजन के, तो उसको हम बोलते हैं एपोस्पोरी. सो राइट आंसर विल बी द एपोस्पोरी. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 6, इन एन एंजियोस्पर्म हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 पोलन ग्रेन्स. तो इन एंजियोस्पर्म में हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल कितनी रिक्वायर्ड होंगी प्रोड्यूस करने के लिए 100 पोलर ग्रेन्स. तो बेटा इसको बाय 4 कर देंगे, तो बाय 4 करोगे, जब आप 100 बाय 4 करोगे तो आंसर विल बी द 25. ओके, ये इसकी कैलकुलेशन जो है वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगी जब मैं जेनेटिक्स के कुछ क्वेश्चन कराऊंगी. तो जितने भी बायो में क्वेश्चन आते हैं कैलकुलेशन के वो मैं आपको तब करा दूंगी. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7, इन एंजियोस्पर्म द एंडोस्पर्म इज, एंजियोस्पर्म के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है? ट्रिप्लोइड फेज में होता है. तो आंसर विल बी द ट्रिप्लोइड. क्वेश्चन नंबर 8, इन एंजियोस्पर्म ऑल द 4 माइक्रोस्पोर ऑफ टेट्राड आर कवर्ड बाय अ लेयर व्हिच इज फॉर्मड बाय. तो वो जो हमारी 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड्स जो बनते हैं वो कवर होते हैं एक लेयर से, और वो लेयर जो होती है उसकी फॉर्मेशन होती है पेक्टोसेल्युलोज से. सो राइट आंसर विल बी द पेक्टोसेल्युलोज. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शनल मेगास्पोर इज एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू एन. जो फंक्शनल मेगास्पोर, देखो 4 मेगास्पोर होते हैं, ठीक, 4 में से 3 तो डीजनरेट होते हैं लेकिन एक ही जो होता है वो फंक्शनल मेगास्पोर होता है. तो वो फंक्शनल मेगास्पोर जो होगा वो डेवलप होगा किस में होगा? एम्ब्रियो सैक में. सो राइट आंसर विल बी द एम्ब्रियो सैक. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10, डबल फर्टिलाइजेशन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय इन फ्रिटिलेरिया एंड लिलियम. तो सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर करा था? नवाश्चिन ने. सो राइट आंसर विल बी द नवाश्चिन. क्वेश्चन नंबर 11, फीमेल गैमिटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय. जो फीमेल गैमिटोफाइट होता है किसी भी एंजियोस्पर्म का उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एम्ब्रियो सैक से. सो राइट आंसर विल बी द एम्ब्रियो सैक. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12, द रोल ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज टू प्रोड्यूस. द रोल होता है डबल फर्टिलाइजेशन का, क्या रोल होता है एंजियोस्पर्म में? तो टू प्रोड्यूस द एंडोस्पर्म. जो एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है वो हमारी किससे होती है? डबल फर्टिलाइजेशन से. क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थिनोकार्पिक. पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन सा है इनमें से? जैक फ्रूट और बनाना में से. सो राइट आंसर विल बी द बनाना. ओके, पार्थिनोकार्पिक जानते हैं ना आप अच्छे से. ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स. जब मेल और फीमेल जो फ्लावर होते हैं वो डिफरेंट प्लांट्स पर प्रेजेंट रहते हैं टू एंश्योर जीनोगेमी इन. तो जीनोगेमी किस में होती है? पपाया में. सो राइट आंसर विल बी द पपाया. क्वेश्चन नंबर 15,
पॉलीएम्ब्रियोनी इज रिप्रेजेंटेड इन द स्पीसीज ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी मीन्स का क्या क्या मतलब होता है, पॉली मतलब मोर देन वन, जिसमें ज़्यादा एम्ब्रियो हो, तो वो हमें किस में रिपोर्टेड होता है, सिट्रस स्पीसीज में. ओके, सो दीज आर द 15 क्वेश्चन फॉर टुडे. नेक्स्ट टर्म आई विल कवर नेक्स्ट 15 क्वेश्चन. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.